हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिक्सो अबेकस में। मेरा नाम समीर है। आई हैव डन मास्टर्स इन अबेकस। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको अबेकस के मतलब अबेकस के बारे में बता देता हूँ कि अबेकस असल में होता क्या है, अपन उसको यूज़ कैसे करते हैं जिन्होंने वो अबेकस सीखा होता है। तो सबसे पहले ये एक अबेकस है, ठीक है। तो इसमें ये जो बीट्स हैं ना, इनमें से उनके भी बहुत सारे नाम मतलब नाम होते हैं। अब जो ये ऊपर वाले बीट्स हैं इनको कहते हैं अपन अपर बीट्स, और ये जो नीचे वाले हैं इनको कहते हैं अपन लोअर बीट्स। और ये जो लाइन है इन दोनों को अलग कर रही है, जिस पर अभी कोई भी बीट टच नहीं कर रहा है, इसको अपन बोलते हैं फॉर्मूला बार, या बहुत सारे लोग इसको आंसर बार भी कहते हैं। तो ठीक है, ये होता है। और देखो, जब भी इस पर है ना कोई भी बीट टच करते हैं ना, तो इस पर आंसर आता है, इसलिए इसको आंसर बार कहते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चालू करते हैं। तो अब है ना मतलब इसमें बीट्स होते हैं, ये जो देखो ये वाली है, इस पर वंस वाली बनाते हैं, इस पर टेंस वाली बनाते हैं, और इस पर हंड्रेड वाली बनाते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले वंस का सिखाऊंगा, उसके बाद अपन टेंस पे जाएंगे, फिर अपन हंड्रेड पे जाएंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे भी करेंगे। तो सबसे पहले वंस की कैलकुलेशन कैसे होती है, वंस का बीट कैसे बनता है, अपन वो सब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपन वंस है, तो वंस में सबसे पहले क्या है, ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो कैसे बना है, जीरो का तो कोई नंबर ही नहीं है, अपन कैसे बनाते हैं जीरो को। तो जीरो पे अगर मान लो अपन को कोई कहे कि है ना तुम्हें जीरो दे रखा है, और ये अबेकस है, लो इसको इस अबेकस को, और इस पर है ना जीरो बना के दिखाओ। तो जीरो बनाना ना कुछ भी नहीं करना, सारे बीट जैसे कि जैसे उनको वैसा का वैसा रख दो, कुछ भी नहीं करना, जीरो का जीरो है वो, ठीक है। कोई भी बीट है ना अपन को इस आंसर बार पे टच नहीं करना है, तो वो हो जाएगा जीरो। इसके बाद आएगा वन, तो वन को क्या बनेंगे, तो वन है। तो ये जो बीट्स है ना इसमें से एक बीट को ऊपर करेंगे। सबसे पहला बीट क्या है, अपर नहीं लोअर बार में, लोअर जो बीट्स हैं उनमें सबसे पहला वाला बीट है ना उसको ऊपर कर देंगे। तो ये हो गया वन, ठीक है। अब दूसरा दूसरा नंबर क्या आएगा, सेट टू। तो टू को कैसे करेंगे, अब टू है मतलब दो बीट हैं, तो दो को अपन ऊपर करेंगे, तो वन और ये टू, ये होता है टू। उसके बाद है थ्री, तो फिर थ्री बनाएंगे। जैसे अपन सिंपल है, जैसे अपन ने वन किया एक बीट ऊपर, जैसे अपन ने टू किया दो बीट ऊपर, जैसे अपन को तीन करना है तो तीन बीट ऊपर करेंगे, वन टू और ये थ्री, ठीक है। और वैसे ही फोर करना है तो वन टू थ्री और ये फोर, ये हो गए फोर बीट। और जैसे अब देखो फाइव का ना सबसे अलग होता है, तो अगर अपन को फाइव करना है और ये फोर बना हुआ है, अपन को अगला अप नंबर है फाइव, तो फाइव के लिए जो अपर बीट्स हैं उनमें ये बीट है ना जो ऊपर है इसको अपन नीचे कर देंगे, ये होता है अपना फाइव, ठीक है। अब फाइव तक वापस करेंगे फिर आगे करेंगे, तो अपन को फाइव करना है। तो सबसे पहले आप वापस से करेंगे, जैसे ना अपन ने जो भी किया वो अपन को याद हो जाए, तो वन को कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा वन, ठीक है। अब अगर अपन को टू बनाना है तो अपन टू कैसे बनाएंगे, वन और वन टू, तो ये वन और ये टू। अब अगला अपन को बनाना है थ्री, तो थ्री कैसे बनाएंगे, तीन बीट ऊपर करेंगे जैसे बताया था, वन टू थ्री, ये हो गए थ्री। और अगर अपन को बनाना है फोर बीट ऊपर करने, मतलब चार नंबर बनाना है अपन को, अगर कोई बोले फोर बनाओ, तो अपन फोर है ना अबेकस पे बनाएंगे ऐसे, जैसे चार बीट ऊपर कर देंगे, वन टू थ्री और ये फोर, ठीक है। और अगला अपन मैंने क्या बताया था, फाइव सबसे अलग है वो, उसमें क्या होता है, इसमें अपन लोअर बीट को है ना ऊपर करते हैं, इसमें जो अपर बीट है उसको अपन एक बीट होगा उसको नीचे कर देंगे, ये हो गया फाइव, ठीक है। अब अगर अपन को सिक्स बनाना है, अपन सिक्स कैसे बनाएंगे, फाइव में वन ऐड करेंगे तो सिक्स आएगा, ठीक है। फाइव प्लस वन सिक्स होता है, तो सबसे पहले अपन फाइव बनाएंगे। फाइव क्या होता है, अपर वाला बीट होता है, अगर उसको अपन नीचे टच करेंगे आंसर बार पे तो फाइव बन जाएगा। और अगला नंबर क्या था, वन, अगर मतलब फाइव में वन प्लस करा तो वो सिक्स हो गया, तो ये जो बीट है वन बीट होगा उसको अपन जो लोअर बार का होगा उसको अपन ऊपर कर देंगे, ये हो गया सिक्स, ठीक है। अब अगला नंबर है सिक्स हो गया, फिर है फाइव हो गया, उनको अब सेवन बनाना है। सेवन कैसे बनाएंगे, जो फाइव है अगर उसमें अपन टू प्लस करते हैं तो क्या सेवन आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले फाइव है जो अपर बार का है उसको नीचे करो, ठीक है। और फिर जो लोअर बार है, लोअर बीट्स बोलते हैं, मैं बार बोल देता हूँ कभी कभार, वैसे बार ही होते हैं,
तो जो अपर बीड है उसको जो अगर नीचे करोगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। और जो नीचे वाले हैं उनमें अगर अपन 2 बीड और कर दें तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। 7 बना दिया, क्या करेंगे 7 बनाने के लिए, ये जो 2 बीड है इनको नीचे, जो लोअर बीड से उनके जो ये 2 बीड है इनको ऊपर करेंगे तो 7 बन जाएगा। मतलब देखो वापस, तो जो अपर बार है उसका जो होगा मतलब एक बीड होता है उसको नीचे करोगे तो 5, और उसमें 2+ करना है तो 5+2 7। तो लोअर बीड है उनके जो 2 होंगे ना उनको ऊपर कर दो तो 1, और ये 2 क्या हो गया 7। अब अगला नंबर है अपना 8, तो 8 बनाना है। 8 कैसे बनाएंगे तो वो देखो, 8 होता है 5 में 3+ कर दो तो 8 आता है। तो सबसे पहले 5 बनाएंगे, वही है 5, अपर वाले बीड है उसको नीचे करोगे तो 5 बनेगा। और जो नीचे वाले 3 बीड्स होंगे, अगर अब देखो 5 था अपन ने कर दिया, नेक्स्ट कौन सा नंबर था 5 में 3+ करने, तो 5 हो गया, क्या बचा 3, तो 3 नीचे का 3 पहले बता दिया तो वही 3 बना दो, 1 2 3 ये हो गया 8, ठीक है। अब वंस का सबसे लास्ट और का नंबर क्या होता है, जो सिर्फ वंस में होता है, वंस में लास्ट होता है 9। अब अपना बचा 9 है, तो देखो 9 कैसे बनता है, 5 5 है उसमें अगर अपन 4+ कर दें तो 9 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या नंबर है 5, तो 5 को बना दो ऊपर से नीचे को बीट कर दो, ठीक है। और 4 बचा, 4 होता है पहले सिखा दिया था कि 4 कैसे बनाते हैं, तो बस वही कर दो। देखो 4 लोअर बीट है उनको ऊपर कर दो, 1 2 4 लोअर बीट को ऊपर करना है, तो 2 हो गए 3 और ये 4, ये हो गया अपना 5 और 4 9, ठीक है। अब है ना इसको वापस रिवाइज करते हैं, देखो 5 तक तो कर दिया था, अब 4, अब 9, 5 से 9 तक करेंगे। 5 क्या था, ये होता है, ठीक है। अब अपन को 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए क्या करते हैं 5 में 1 ऐड कर देते हैं, 5 में 1 ऐड कर देंगे मतलब 5 और इसमें लोअर बीड का 1, तो ये हो गया 6। अगला नंबर होता है 7, अब 7 कैसे बनता है, 5 में 2 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 5 और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 2, ठीक है। अगला नंबर होता है 8, तो 8 कैसे बनता है, 5 में 3 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 5 और इसमें ये 3 ऐड कर देंगे, 1 2 3 ये हो गया अपना 8, ठीक है। अब अगला नंबर है 9, 9 कैसे बनता है, देखो 9 की में क्या होता है 5 में 4 ऐड कर देंगे तो 5 और 4, 1 2 3 4 ये हो गया 9, ठीक है। अब देखो सबको याद करते हैं, 0 कैसे बनेगा कुछ भी टच नहीं करेंगे, 1 कैसे बनेगा ये हो गया 1, 2 कैसे हो गया ये हो गया 2, 3 कैसे होगा ये हो गया 3, 4 कैसे होगा ये हो गया 4, 5 कैसे होगा ये होगा 5, 6 कैसे होगा ये हो गया 6, 7 कैसे होगा ये हो गया 7, 8 कैसे होगा ये हो गया 8, 9 कैसे होगा ये हो गया 9। देखो अगर तुम्हें 5 तक याद है ना तो 9 तक तो बहुत ईजी है, 5 तक अपन को क्या करना है 1 2 3 4 और ये 5, इसका आगे क्या है, देखो 6 बनाना है तो अपन को उसमें 1 ऐड करना है, तो 5 तो अपन को आ गया बस उसमें 1 ऐड कर दो, और फिर 7 बनाना है तो उसमें 2 ऐड कर दो, 8 बनाना है तो इसमें 3 ऐड कर दो, 9 बनाना है उसमें 4 ऐड कर दो, हो गया, ठीक है। अब ये तो अपन को आ गया, अब अगला है ना इनके कैलकुलेशन, मतलब हर बहुत बार अब आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, देखो इन पे ये तो बेसिक है पर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये गिवन है इसमें ना एडिशन करना होता है तो इसमें एडिशन कैसे होगा वो बता दो, नहीं ठीक है। देखो ये कुछ क्वेश्चन है इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अपन को है ना 2 में 2 ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, जो 2 है उसमें 2 ऐड करना है, तो देखो सबसे पहले अपन को क्या बनाना है 2, तो 2 बनाओ, फिर वापस क्या गिवन है 2, तो मतलब 2 में 2 ऐड करना है, तो अपन को जो नंबर है ना उसमें 2 2 ऐड करना है, तो 2 है अगर अपन 2 और ऐड कर देंगे मतलब 2 बीड और बढ़ा देंगे तो अपन के पास जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले गिवन है 2, ये हो गया 2, इसमें ना अपन को जो गिवन है अपन को 2 गिवन है, तो अगर अपन में 2 बीड मतलब ज़्यादा करना है तो जो आंसर आएगा फिर वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 गिवन है, इसमें अपन को 2 ही ऐड करना है तो 2, तो ये क्या हो गया 4 बीड्स हो गए, मतलब आंसर हो गया 4। अगला है 1 में 3 ऐड करना है, मतलब ये 1 है इसमें 3 बीड्स और ऐड करना है, तो 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1
टू थ्री, ये इसका आंसर क्या आ गया, इसका भी आंसर 4 आ गया। अब अगला अपने पास क्या है, हमें 3 में 6 ऐड करना है। तो अपने पास मतलब पहले से अपन के पास 3 बीड अपने पास है, उसमें अपन को 6 बीड और ऐड करने हैं। तो ये बताओ कि उसका आंसर क्या आएगा। अब 6 बीड का मैंने बताया था, 6 कैसे बनता है, 5 बीड है उसमें, अगर 1 बीड और कर देंगे तो 6 बीड्स बन जाएंगे। तो बस वो कर दो, 6 बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले 5 ऐड करेंगे तो ये हो गया 5, और इसमें 1 बीड और ऐड करेंगे तो ये हो गया 6। तो 5 और 1 6, और ये 3 हो गए, तो ये क्या दिख रहा है, ये 9 बन गया है। तो इसमें 9 अगला है 4 और 4, मतलब 4 में 4 ऐड करना है। तो सबसे पहले 4 है उसमें 4 ऐड करना है। तो 4 ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखो 4 ऐड करना है तो 4 बीड अमन को और ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो 4 है मतलब 4 बना क्या करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे 4 बीड बढ़ा देंगे। तो 4 गिवन है, इसमें 4 और है, तो अगला 1 बीड ऐड करेंगे तो 5, इसमें एक और बीड ऐड करेंगे 6, एक और बीड ऐड करना है 7, लास्ट बीड बच गया 8, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, वापस बताता हूँ, जैसे 4 है, 4 गिवन है, तो 4 बनाते कैसे, 1 2 3 और ये 4, इसमें अपन को 4 और ऐड करना है। तो 4 और ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 4 और ऐड कर देंगे, मतलब 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1। ठीक है, ये देखो ऐसे है, 4 को अपन कैसे लिखते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और इसको भी ऐसे लिखते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस, मतलब अपन को 1 1 1 1, मतलब 8 बार 1 प्लस करना है। तो 8 बार 1 बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसका आंसर आ गया 8। अगला है 2 में 7 प्लस करना है। तो इसको कैसे करेंगे, अपने पास 2 बीड्स हैं उसमें 7 बीड ऐड कर देना है। तो ये हो गया 2 बीड, इसमें 7 बीड और, तो 7 कैसे बनाते हैं, 5 में 2 प्लस करते हैं, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2, ये हो गया 9। अगला है 1 में 4 बीड ऐड करना है। तो 1 बीड है उसमें 4 बीड्स और ऐड करना है, तो 4 बीड ऐड कर देंगे, 1 गिवन है, देखो 4 को अपन कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब अपन को 4 बार 1 और ये 1, ये ना मैंने इजी करने के लिए लिखा है, ये तो वैसे भी अपन कर सकते हैं। देखो 1 में 4 ऐड कर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, पर ये ज़्यादा इजी है। तो 1 इसमें 1 प्लस 1, मतलब 4 1 1 की बीड ऐड करना है, मतलब 4 ऐड करना है, तो 4 बार 1 ऐड करना है, तो कर देंगे 1 तो अपने को गिवन है, उसके बाद 4 बार 1 और, 1 2 3 और 4, क्या आंसर आ गया, 5। ठीक है, ये हो गया। अब है ना, मतलब ये तो अपने एडिशन तो इसका सीख लिया, अब मैं आपको एक बार मतलब कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो एक बार दिखा देता हूँ, कि बीड बनाने पड़ते हैं वंस के। ठीक है, वो देखो एक बार, इसमें है कि ड्रॉ द बीड्स फॉर नंबर्स गिवन बिलो। इसमें अपन को जो बीड्स गिवन है, मतलब जो नंबर गिवन है ना, देखो ये नीचे नंबर गिवन है, तो इसमें ना मतलब इसके जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग इसमें बीड बनाना है। जैसे अपन को 1 की बनाए तो अपन को 1 बीड ड्रॉ करना है, 2 की बनाए तो 2 बीड ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो करो, तुम भी करो मैं भी करता हूँ, साथ साथ करना। तो अपन को सबसे पहले क्या बनाना है कि अपन को 5 बीड बनाना है। 5 के लिए क्या, ऊपर वाला नीचे कर दो 5 बीड, अगर 8 बनाना है तो 5 प्लस 3 5 1 2 3 8, 1 बनाना है तो 1। ये थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले भी इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अपन को बस अभी ये मतलब क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आंसर अपन को बस फिल करना है। 1 हो गया, 0 का मैंने आपको बताया था कोई भी बीट टच नहीं करना, और देखो ये 6 है, ये 6 बनाना है, 5 प्लस 1 कर देंगे, ये हो गया 6, और 4 बनाना है 4, 9 बनाना है 5 प्लस 4, 7 बनाना है 5 प्लस 2, 2 बनाना है ये हो गया 3 हो गया। ठीक है, पर ध्यान रखना, अगर मान लो तुम्हारा बीड है वो है ना, मान लो ये 5 बनाना है, पर तुम्हारा जो ये 5 है वो इस पे तो टच कर ही नहीं रहा, वो इधर ऊपर टच कर रहा है कहीं, तो वो बीड नहीं माना जाएगा, वो कुछ भी नहीं माना जाएगा, फिर वो क्वेश्चन कट हो जाएगा, मतलब फिर उसके नंबर ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो ये तो बस वंस में तो इतना ही था,
अब मैं टेंस का करा देता हूँ, ठीक है। तो टेंस में अपन कैसे करेंगे, वंस का तो अपन ने सीख लिया, और टेंस में देखो वन में जैसे अपन वंस में सीखा, वंस में कितने थे, वन से लेकर नाइन, तो टेंस में कितने हो गए, टेन से लेकर 99 या टेन से लेकर 90। अभी मतलब अपन टेन टेन का बनाएंगे तो 90, और अगर 11 से 99 होंगे वैसे, ठीक है। तो सबसे पहले ना अपन बेसिक सीखेंगे कि टेन से लेकर 90 तक कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वंस में जैसे ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे ही अपन मतलब उसमें होता है टेंस में, टेंस में भी ऐसे ही है, टेंस में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो टेंस में जैसे वंस में अपन ये वाला लेते हैं ना, टेंस में अपन ये वाला लेंगे। पहले अपन ने ये वाले बीट्स लिए थे, अब अपन ये वाले बीट्स लेंगे, ये वाले, ठीक है, ये वाले लेंगे। तो सबसे पहले जैसे अपन ने वंस में वन बनाना सीखा था, वैसे ही टेंस का भी मतलब है ना, टेंस का वन भी मतलब टेंस का टेन भी टेन ही होता है, मतलब ये वाला पहला बीट ही होगा। जैसे अपन ने वंस में ये बनाया था तो टेंस में ये हो जाएगा, ऐसे है। फिर अपन ने वंस में टू बनाया था तो ये टेंस का 20 ऐसे बनेगा, ठीक है। वंस के थ्री होता है तो ये 30 हो गया, ये 4 होता है तो वैसे ये 40 हो गया। जैसे ये अपन ने 5 के लिए अपन क्या करते थे, इसको नीचे करते थे, तो 50 के लिए अपन क्या करेंगे, इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। और वंस में जैसे अपन को 6 बनाना था तो अपन 5 में 1 प्लस करते थे, और अगर अपन को टेंस में 60 बनाना है तो अपन 50 में 10 प्लस करेंगे। तो 50 कैसे बनता है, ये हो गया 50, और 10 ना कैसे होगा, ये होता है 10, ठीक है। और 70 कैसे बनेगा, 50 में 20 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाए अपन का 50, और 20 कैसे करेंगे, ये 10 और ये 20। 80 कैसे करेंगे, 50 में 30 प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 50, और उसमें 30 प्लस करेंगे, मतलब 3 बार 10, 10 20 30, 8 हो 90, मतलब 80 हो गया। अगर अपन को 90 बनाने तो कैसे करेंगे, ये हो गया 50, और इसमें 40 ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। जैसे अपन ने वंस में क्या था, 5 में अगर अपन 4 ऐड कर दे तो 9 आ रहा था, इसमें अगर 50 में 40 ऐड करेंगे तो 90 आएगा। तो 40 के लिए क्या करेंगे, 20 30 40 20 10 20 30 और ये 40। चलो वापस देखते हैं, 10 मतलब अगर अपन अभी 10 सीख रहे हैं, वंस अपन ने पहले सीख लिया, तो अगर टेंस कर रहे हैं तो टेंस में 10 क्या होगा, पहला बीट ये वाला, 20 क्या होगा, 2 बीट्स, 30 क्या होगा, 3 बीट्स, 40 क्या होगा, 4 बीट्स, 50 क्या होगा, जो अपर बीट है उसको अगर नीचे कर देंगे तो 50, 60 होगा 50 में प्लस 10 तो 50 प्लस 10, 70 होगा 50 में प्लस 20 तो 50 प्लस 20, 70 कैसे होगा, 50 प्लस 30, ओ सॉरी 70 होगा 50 प्लस 20, और 80 होगा 50 प्लस 80, 90 कैसे होगा, 50 प्लस 40, ठीक है, ऐसे होंगे 80 होगा 50 प्लस 30, 90 होगा 50 प्लस 40, 70 होगा 50 प्लस 20, और 60 होगा 50 प्लस 10, और 50 होगा, ये हो जाएगा 50, और 40 क्या होगा, ये 40, ये 30, ये 20, ये 10, ठीक है। चलो अब अगर अपन मतलब है ना, अब फटाफट एक बार वापस बनाएंगे, पहले वंस बनाएंगे फिर टेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब अगर टेंस बनाने तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। अब चलो पहले है ना मतलब एडिशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मतलब नंबर दूंगा, फिर उसको अपन बीट्स पे बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन को ये क्वेश्चन गिवन है कि अगर अपन को 10 में 10 ऐड करना है तो अपन कैसे करेंगे, 10 में 10 ऐड करना है मतलब मैंने बताया था कि टेंस का जो एक बीट होता है वो 10 होता है, 2 बीट हो गए तो 20, 3 बीट हो गए तो 30, 4 बीट हो गए तो 40, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें अपन को करना है 10 में 10 ऐड करना है, तो 10 3 हो गया, और इसमें एक और बीट है प्लस करना है, मतलब 10 है, मैंने बताया था 1 बीट टेंस में 1 बीट इज इक्वल्स टू 10 होता है, ठीक है। तो 1 बीट इज इक्वल्स टू 10, तो इसमें अपन को एक और 10 प्लस करना है, मतलब एक और 1 बीट प्लस करेंगे, तो 1 में 1 तो ये हो गया 2 बीट्स, तो 2 बीट्स मतलब 20, जैसे ये 10 और ये 20, ठीक है। अब अगला है 20 में 30 प्लस करना है, तो ये हो गया 20 मतलब 2 बीट्स, और 30 मतलब 3 बीट्स, 3 बीट्स प्लस करेंगे तो 1 2 और देखो 4 हो गया। अगला बीट्स करने के लिए
ये हो जाएगा 5। अगला गिवन है 30 में 60 प्लस करना है, तो मतलब 30 मतलब 3 बीट्स और 60 मतलब 6 बीट्स। 60 बनाने के लिए मैंने बताया था कि अगर अपन को 60 बनाए तो 50 में 10 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो गया 10, तो ये हो गया अपना 90। सॉरी इसमें मैं आंसर भरना भूल गया, इसमें 50 आएगा, दिखा तो दिया था मैंने। और अगला है 10 में 20 प्लस करना है, 10 मतलब 1 बीट, 20 मतलब 2 बीट्स, तो ये हो गया 30। चलो ये हो गया। अब मैं ना कुछ क्वेश्चन बोलूँगा, इस उसको अपन इस पे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, मैंने बोला कि है ना 10 बनाओ, मैंने बोला 4 बनाओ, 40 बनाओ, और अगर मैं आपको बोल दूँ 55 बनाओ, फिर कैसे बनाओगे? चलो फिर पहले वो देखते हैं, ठीक है? अब वो देखेंगे कैसे करेंगे। देखो 10 से लेकर 90 अपन को आ गया, 1 से लेकर 9 तो अपन को आ गया। बस अब है ना अपन को क्या कर रहा है कि अपन को जैसे बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे 11 आ गया, 12, 13, 14 आ गया, 23, 25, 87, 47, 50, ऐसे बहुत सारे नंबर आ गए, तो उनको कैसे बनाएंगे? देखो चलो उनको बनाएंगे। अब सबसे पहले अपन सबसे पहला नंबर लेंगे 10 के बाद क्या होता है 11। देखो 11 कैसे बनाए यहाँ बता देता हूँ। देखो 11 कैसे, यहाँ बता दो, चलो यहाँ पे 11 कैसे बनाए, 11 बनाए 10 में प्लस 1 कर देंगे, ये अपनी हो गई 10s, ये हो गई अपनी 1s, ठीक है? तो अगर अपन को 11 बनाना है तो अपन 11 में क्या करें, 11 में क्या है, 1s में अपन को 1 जोड़ना है और 10s में अपन को 10 जोड़ना है, ठीक है? तो अपन का बनेगा 11, तो 10 प्लस 1 क्या होता है 11, तो ठीक है चलो अब बनाते हैं। 11 बनाने के लिए 1s में अपन को क्या बनाना पड़ेगा, 1s, देखो 11 है 1 और 1, तो 11 के 11 है तो उसका 1s में क्या है 1, तो 1s के मतलब जो बीट्स हैं उनमें 1 बनाओ, और जो 10s है उनके मतलब उसके में नंबर क्या है 10, और 1 बीट इज इक्वल्स टू 10 होता है, तो 10s का 1 बीट ऊपर कर दो, तो ये क्या हो गया अपना 11। और जैसे अगर मैं कहूँ 12 बनाओ, तो 12 के लिए 2 बीट्स ऊपर कर देंगे 1s में और 1 बीट ऊपर कर देंगे 10s में, तो ये हो गया अपना 12। वैसे ही अगर 13 बनाना है तो 1s में क्या है 3, तो 3 1s में बनाएंगे, और 10s में क्या है 1, तो इसमें 10s में क्या है 10, तो 10 बना दिया, ये 1 बीट ऊपर, तो ये हो गया 13। अब तो अपन कोई भी बना देंगे, तो मान लो अपन को दे दिया 99, 1s में क्या है 9, ठीक है? 1s में 9 बनाओ, ये हो गया 9, और 10s में 9 बनाओ, ठीक है, ये हो गया 99। अगर कहीं 87 बनाओ, कुछ भी नहीं है 87 में, आराम से बना देंगे, अब तो सब आ गया, तो 1s में 7 बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? या अपन ऐसे भी 7 बना सकते हैं, 5 + 2, 7, ठीक है? और 10s में 8 बनाना है, मतलब 80 बनाना है, तो बनाओ 80, 50 + 30, 87। चलो अब है ना इसके कुछ है ना बीट्स बनाते हैं फिर, ठीक है? इसके बीट बनाएंगे, उसके बाद आज का सेशन ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले अब मैं कहूँ 22 बनाओ, 1s में है 2, 10s में भी है 20, तो ये हो गया 22। बोले 33 बनाओ, 1s में है 3, 10s में 30, ये हो गया 33। बोले 55 बनाओ, 1s में है 5, 10s में 5, 50, तो ये हो गया 55, ठीक है? चलो अब है ना 10 से लेकर 20 तक सारे बनाएंगे, 10 हो गया ये, 11 हो गया ये, 12 हो गया ये, 13 हो गया ये, 14 हो गया ये, 15 हो गया ये, ठीक है, 16 हो गया ये, 17 हो गया ये, 18 हो गया ये, 19 हो गया ये, 20 हो गया ये, ठीक है? ये तो थोड़े अब तुम्हें भी आ गए होंगे, इतना फास्ट तो तुम भी कर लोगे, ठीक है? अब देखो तुम अगर इसको रोज़ प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारी स्पीड भी बहुत तेज़ हो जाएगी। जैसे अभी मैं हूँ, मैं आराम से ये सब कर सकता हूँ, बहुत आराम से मैं 100 बना सकता हूँ, 1000 तक का बना सकता हूँ। अगर तुम भी ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम भी आराम से बना पाओगे, तो ठीक है प्रैक्टिस करते रहना इनकी। चलो फिर आज का सेशन इतना ही है, अगले सेशन में मैं इसके एडिशन हो गए, अगलों के सब्ट्रैक्शन हो गए, हंड्रेड्स हो गए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कराऊंगा। तो चलो आज का सेशन इधर ही ख़त्म करते हैं।